आपने कहीं जगह देखे होंगे कि पार्षद 7-7 बार चुने गए हैं और हमारे मनीष जी मेरे ख्याल से 10 बार से ज्यादा का रिकॉर्ड बनाएंगे। जितने हम देश में मोदी जी को चाहते हैं यहाँ सरिता विहार में, हम उतने ही मनीष और नीतू जी को चाहते हैं। और ऐसा पार्षद जो एक फोन पे आपको रिस्पॉन्स दे, हर फोन को वो अटेंड करे, ऐसा पार्षद आपको मिल नहीं सकता। नीतू मनीष जी के लिए काम की बात की नहीं, हमारे लिए एवरी टाइम 24 आवर्स अवेलेबल है, तो इसलिए हम उनके लिए हर टाइम है। नया चेहरा हमें अभी तक कोई भी ऐसा दिखा नहीं है जो उनकी जगह पे आ सके। वो कभी भी चूकते नहीं है, ही दे ऑलवेज रेडी, यू नो। हम उनको नेता कम और अपना घर का मेंबर ज्यादा चाहते हैं। तीसरी बार भी उन्हीं को ही वो मत जो है उनका जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। इट्स ऑब्वियस मनीष जी एंड नीतू जी, नोबडी एल्स बिसाइड्स देम। तो जो जनता की आवाज है वो जनता की आवाज नीतू मनीष चौधरी जी के लिए है। वो सबसे मिलनसार है, सबका कहना मानते हैं, उन सबकी बातें मान के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और करते हैं। ये चीज है, अगर हम किसी और को लाते हैं तो 10 साल पीछे चले जाएगा हमारा सरिता विहार। निकाय चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पर बातचीत हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस बार जो है क्या कुछ लोगों का जनाधार है, लोग किसे मन बना रहे हैं और अपने मौजूदा पार्षद के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं, ये जानने की कोशिश की जाएगी लोगों से बात करके। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार के निकाय चुनाव को लेकर? आप यहाँ के मौजूदा पार्षद से कितना संतुष्ट हैं? अगर बात की जाए यहाँ के पार्षद की, तो लगभग 2 उनके कार्यकाल बीत रहे हैं, तो कितना संतुष्ट है उनके कामकाज? 2 कार्यकाल बीतने के बाद जो लोगों का आज मन है वो आज तीसरी बार भी उन्हीं को ही वो मत जो है उनका जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने ये सीट पहले भी निकाली थी, ऑड टाइम के अंदर भी निकाली थी और आज तो टाइम उनकी पूरी फेवर के अंदर है। और जो काम मनीष जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे किया है, ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से, मैंने भी काफ़ी उम्र हो चुकी है, मैं भी सीनियर सिटीज़न हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कार्य परिषद आज तक नहीं देखा जो इस दिल से और मेरे ख्याल से वो इस पूरे एरिया के अंदर में हर आदमी को नाम से पहचानते हैं और उसको नाम से मिलते हैं और लोग भी उनको उसी प्यार से मिलते हैं। जितना प्यार और जितना काम मनीष जी ने यहाँ किया है, मेरे हिसाब से किसी एरिया में इतना प्यारा आपको काउंसलर मिल नहीं सकता। 10 साल लगभग बीत गए, 10 साल बाद होता क्या है कि किसी आप एक पार्षद को चुनते रहते हैं, 2 बार आपने चुना है, तो फिर कुछ लोग अपेक्षा करते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ चीज़ें नई हो, तो आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है? आप लोग पूरी तरह से भरोसे पर ही लिए? आपने कहीं जगह देखे होंगे कि पार्षद 7-7 बार चुने गए हैं और हमारे मनीष जी मेरे ख्याल से 10 बार से ज़्यादा का रिकॉर्ड बनाएंगे। इनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही नायाब है। कोई आदमी काम लेके जाता है तो आज तक इन्होंने उस काम के लिए मना नहीं किया, चाहे उन्होंने आउट ऑफ दी वे जाके उस आदमी के लिए काम किया है, उठ के उसके घर गए और उस काम को पूरा करवाया। चलिए, और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोगों से बात करके उनकी राय जानेंगे कि इस बार के निकाय चुनाव में लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं। इस बार क्या कुछ है आपको लग रहा है, किसे आप भरोसे पर ले रही हैं? 2 बार से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की काउंसलर रही हैं, कितना आप लोगों के लिए काम किया उन्होंने, इस बार क्या कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं? नीतू मनीष जी के लिए काम की बात की नहीं, हमारे लिए एवरी टाइम 24 आवर्स अवेलेबल है, तो इसलिए हम उनके लिए हर टाइम है। जब भी मतलब हम ये नहीं देखें कि वो कौन सी पार्टी कौन से, हम नीतू मनीष जी को ही जानते हैं। वो जो है वो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, हर बार वो सरिता विहार में आएंगे और इस बार को जीतती हुई लाएंगे हमें, और वो हमारे साथ हर टाइम है, हम भी उनके साथ हैं, पूरा सरिता विहार उनके साथ है और ऑलवेज देयर विद देम। हमारे पास अगर टाइम ना भी, एज आई एम वर्किंग लेडी, स्टिल आई एम हैविंग टाइम फॉर हर, उनके लिए हमारे पास टाइम है, हम जरूर। तो 2 बार का कार्यकाल बीत गया है, लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 साल में उनका कामकाज कैसा रहा? आपने देखी होंगी तमाम चीज़ें जो है उनका, कोई भी आप लोगों की छोटी छोटी परेशानियां रहती होंगी, तो उन चीज़ों पर उन्होंने किस तरह से काम किया? एक ही वर्ड में बात कह सकते हैं कि एनी टाइम एनी वेयर हम उनको एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज करते हैं, तुरंत उनका रिप्लाई आता है और वो हमारे को रिस्पॉन्ड करते हैं, काम करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं आएंगे, एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस, ये मैं कहूँगी, ज़रूर जीतेंगे नीतू मनीष चौधरी, ज़रूर ज़रूर आएंगे नेक्स्ट। और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार के निगम चुनाव में जो है, किसे आप भरोसे पर ले रहे हैं? वही है जी, जो कुछ भी हैं नीतू जी और मनीष चौधरी, यही हैं, इनका ही है सब कुछ, ये सबकी बातें सुनते हैं, इनकी तकलीफें सुनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, इसलिए सब उनको पसंद करते हैं और बिना किसी कंटेस्ट के वो वोट
वो जीतेंगे और जीतेंगे और हमेशा जीते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है वो सबसे मिलनसार हैं, सबका कहना मानते हैं, उन सबकी बातें मान के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और करते हैं। ये चीज़ है पूरी तरह से इस बार भी आप तीसरा मौका देंगे। बिल्कुल, हर आदमी, हर व्यक्ति जो है, हर आदमी व्यक्ति इनको वोट देगा और इनको ही जिताएगा, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए और लोगों से उनकी राय जानना चाहेंगे, इस बार क्या है मैम, किसे आप लोग अपना यहाँ से पार्षद चुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एकदम मनीष और नीतू जी को। जितने हम देश में मोदी जी को चाहते हैं यहाँ सरिता विहार में, हम उतने ही मनीष और नीतू जी को चाहते हैं। हम उनको नेता कम और अपना घर का मेंबर ज़्यादा चाहते हैं। ये पूरे सरिता विहार का, सारे पॉकेटों का यही हाल है, क्योंकि वो तीसरी बार अब जीत जाएगी, पक्का जीतेगी यार, कि सरिता विहार को समझ चुके हैं वो, कहाँ किसकी क्या प्रॉब्लम है। अगर हम किसी और को लाते हैं तो 10 साल पीछे चला जाएगा हमारा सरिता विहार। अब वो हम रात को 12 बजे भी अगर उनको कॉल करते हैं तो 12 बजे भी हमें एक नेता की तरह नहीं, हमारे घर के बच्चे की तरह हमारे साथ खड़े होते हैं। तो हमें उनका बहुत सपोर्ट है और हम उनके यहाँ जाते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता हम किसी नेता के यहाँ आए, हम लगते हैं हम अपने ही फैमिली में, अपने ही घर में आए। तो ये मेरा नहीं, पूरे सरिता विहार का यही हाल है, हर कोई उनको अपना मानता है और वो हर किसी को अपना मानते हैं, इसलिए हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। मैम क्या कुछ आपको लग रहा है इस बार के जो है निगम चुनाव में, MCD के चुनाव में आप लोग किसे अपना जो है नेता चुन रही हैं? नीतू मनीष चौधरी जी हमारी सबसे प्रिय रही हैं और हमारा उन्होंने बहुत आदर किया है, हमारी हर समस्या का उन्होंने समाधान करने की पूरा प्रयत्न किया है। तो शुरू से ही हम उनको मानते हैं और आज भी हम उनके ही सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं। 2 बार का कार्यकाल बीत गया, लगभग 10 साल हो गए, 10 साल बाद आदमी चाहता है कि कुछ बदलाव हो, कोई नया चेहरा है। बदलाव भी उन्हीं से होगा, नया चेहरा हमें अभी तक कोई भी ऐसा दिखा नहीं है जो उनकी जगह पर आ सके। जितना मनीष चौधरी जी और नीतू जी करती हैं इतना कोई नहीं कर सकता है। छोटी छोटी समस्याएं जैसे रहती होंगी, ये पानी की, सीवर की, पार्कों की, उन चीज़ों को लेकर किस तरह से काम वो किया? हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ पर भी वो हमारे साथ 8-8 घंटे DDA ऑफिस में, जल बोर्ड में, वो हमारे साथ जाते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारी समस्याओं को लेकर के जहाँ तक उनसे होता था वो सारे काम करते थे। तो इसीलिए हमें उनसे ही उम्मीद है और वही हमारे नेता हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या है उम्मीद इस बार जो है निकाय चुनाव में, आप लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं? आई थिंक ऑब्वियसली मनीष जी, नीतू जी, या डेफिनेटली, या 2 बार का कार्यकाल बीत गया है, 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल बाद आदमी कुछ बदलाव चाहता है, आप लोग बदलाव की अपेक्षा नहीं रखते हैं? आई थिंक जो भी कोई काम हो, चाहे नया हो, जैसे आप कह रहे हैं बदलाव कह रहे हैं, या पुराना हो, वो कभी भी चूकते नहीं है, ये दे आर ऑलवेज रेडी यू नो टू टेक द चैलेंज एंड दे आर सक्सेसफुल इन व्हाट दे डू। हाँ जी, राइट। 10 साल के कामकाज की अगर बात की जाए तो आप क्या कुछ देखी हैं कि 10 सालों में कितना बेहतर काम हुआ है उनके जरिए? आई थिंक जो भी काम उन्होंने किया है, जो उनके पास आया है, दे हैव डन इट 100%, यू नो, दे पुट इन द 100%, एब्सोल्युटली सक्सेसफुल, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो भी उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर है, ऑब्वियसली दे हैव बीन एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। एंड आई थिंक ऑल द पीपल, नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक लव देम फॉर दिस एंड दे वॉन्ट दैट दे शुड कम बैक। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम इस बार के निकाय चुनाव में, आपके हिसाब से किसे जो है यहाँ का पार्षद होना चाहिए, आप लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं? इट्स ऑब्वियस मनीष जी एंड नीतू जी, नोबडी एल्स बिसाइड्स देम। 10 साल में उनका कामकाज कैसा रहा, आप लोगों का कोई छोटा से छोटा काम फंसता होगा, क्या कुछ उन्होंने आपकी मदद की जिसके आधार पर आप लगातार भरोसा? आई एम अमेज्ड एक्चुअली, ही डिडंट इवन नो मी एज अ पर्सन, आई जस्ट मेड अ कॉल and I sent an official letter and the next minute my work was done and it was like the person hasn't seen me, he doesn't know who I am and like it's done. I was really amazed, the family was amazed, you know, we didn't know him also, we were just recommended to speak to this person and I just called and he took the call immediately. That is also a thing, you know, like first ring and he took the call and I sent him an official letter, this is my work, and the next minute it was done and the family was, what a person, like we were very happy actually. Yani aap logon ke hisab se bahut behtar hai. Oh, he's perfect, I think the couple is perfect, the best I think ever since, like, and it's amazing ke politicians mein aise log, you know, it's, that is a very strong this thing and that shows that what family background they're coming from, very I should say cultured people, you know, we're very happy with them.
चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के एमसीडी चुनाव में अधिकांश लोग किसे पसंद कर रहे हैं, किसे भरोसे पर ले रहे हैं। सर, अगर बात की जाए यहाँ के सिटिंग काउंसलर की, तो दो बार से वो काउंसलर रहे हैं, उनका कामकाज कैसा रहा है और आप लोग इस बार क्या कुछ चाह रहे हैं कि एमसीडी में किसे आप लोग चुनना चाह रहे हैं, कुछ बदलाव चाह रहे हैं या उसी सेम कैंडिडेट पर आप लोग भरोसा जता रहे हैं? तो सेम कैंडिडेट पर भरोसा चाहते हैं, सेम कैंडिडेट पर ही भरोसा चाहते हैं, क्योंकि उनको हमने पिछले 11 साल से देख रहे हैं, उनके काम में कोई कमी नहीं है और कभी भी कोई काम बताया जाता है तो काम टाइम पे हो जाता है और किसी भी विषय में उनसे कोई बातचीत की जाती है बराबर उसका रिस्पांस मिलता है। 10 सालों में एक पार्षद के तौर पर उन्होंने क्या कुछ यहाँ के लिए काम किया है जिसके आधार पर आप फिर से उन्हें चुनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उसने पूरे सरिता विहार में, हमारे ब्लॉक के पूरे सरिता विहार में ये जो जिम्स लगाए हैं, जो पार्क में झूले लगाए हैं, एक तो सबसे बड़ा काम उनका ये है। दूसरा, साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो बिल्डिंगों की बैक साइड में गोल सर्कल पार्क बने हैं वो ऑलरेडी बने थे, लेकिन उसको दोबारा से हाइट बढ़ा के सफाई करा के वहाँ पे पार्किंग में प्लांटेशन अच्छे ढंग से की गई है और उसके अलावा पूरे पार्कों की मेंटेनेंस ठीक की गई है। हमारे इस ब्लॉक के लिए खासकर लाइटें लगी हैं पार्कों में, रोड पे पहले छोटी लाइटें लगी हुई थी, 20 साल 25 साल पुरानी हो चुकी थी। यहाँ पर हमारी पॉकेट में ये मास्क लाइट्स देख रहे हैं ना, ये सारी मास्क लाइट्स जो हैं वो हमारे काउंसलर ने लगवाई हैं। आप यहाँ पर चारों तरफ जितनी भी लाइट्स देख रहे हैं इस पार्क में, ये सब भी उन्होंने लगवाई हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो वो भी उन्होंने ही लगवाई हैं। जितने हमारे स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गए थे, जिनके पोल्स ख़राब हो गए थे, वो सारे पोल्स उन्होंने बदलवाए हैं। इवन जो ऊपर लाइट्स भी लगी हुई थी, जो वो भी ख़राब हुई हुई थी, वो भी उन्होंने बदलवा दिए। अब आप सारे पॉकेट में देखेंगे या सारे सरिता विहार में देखेंगे तो जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सबके नए पोल लग चुके हैं, सबके नई लाइटें लग चुकी हैं। और ऐसा पार्षद जो एक फ़ोन पे आपको रिस्पांस दे, हर फ़ोन को वो अटेंड करे, ऐसा पार्षद आपको मिल नहीं सकता। इसलिए हम इनको ही चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से हमने इनका कंडक्ट देखा है और यहाँ पर सरिता विहार में, पूरे सरिता विहार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इस बात से सहमत ना हो। थैंक यू। सर, क्या कुछ खाना चाहेंगे? यहाँ के निगम पार्षद के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं या फिर से इन्हीं पर भरोसा? देखिए, कोई बदलाव नहीं चाहिए और जनता तो ये चाहती है, जो जनता का समर्थन और जो जनता का प्यार है। मैं पूरे सरिता विहार वार्ड की बात कर रहा हूँ और मैं जे ब्लॉक का RW का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो जो जनता की आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नीतू मनीष चौधरी जी के लिए है और जनता तो ये चाहती है कि चुनाव भी ना हो, उनको अनअपोज सेलेक्ट करते हैं। बट ठीक है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हमें जाना पड़ता है और एक ही नाम है सभी जनता के ऊपर, पूरा समर्थन और पूरा प्यार है नीतू मनीष चौधरी जी का, उनकी टक्कर में कोई नहीं। 10 साल के अगर सर कामकाज की बात की जाए तो आप लोग कितना संतुष्ट हैं इनके कामकाज से? साथ ही साथ में व्यक्तिगत तौर पर कभी आपकी कोई परेशानी रही हो, नाली की, सीवर की, पानी की, तो उन चीज़ों पर उन्होंने कैसे काम किया? देखिए, अगर 10 साल की सेवाएँ की बात करें तो उन्होंने जो सेवाएँ दी हैं वो लाजवाब हैं। अगर 10 नंबर टोटल हैं और 10 में से अगर हम उनको नंबर देना चाहें तो 10 में से मैं तो 12 दूंगा, लेकिन मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, लेकिन 10 में से 10 नंबर उनके हैं परफॉर्मेंस वाइज। उन्होंने जो कमिटमेंट किए हैं वो सारे डिलीवर्स किए हैं और ओवर डिलीवर्स किए हैं। मतलब ऐसे ऐसे काम हैं जो दो दो बार, अब तो हमें यहाँ ये नहीं देखना पड़ता कि हम काम क्या कराएं, इतने काम कराए हैं उन्होंने। इवन मैं एक और काम बताना चाहता हूँ, वॉल ऑफ ऑनर। एक वॉल ऑफ ऑनर यहाँ हमारे जहाँ कूड़ा घर होता था एच पॉकेट मार्केट में, अगर आप देखोगे तो बहुत एक सेंट्रल पॉइंट है सारा सरिता विहार का मार्केट का, वहाँ एक वॉल ऑफ ऑनर, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर जो पर्सनल हैं, फ्रीडम फाइटर लोग हैं, पुलिस के, डिफेंस के, पैरामिलिट्री फोर्स के, आर्मी के, एयरफोर्स के, उनके सबके नामों को वहाँ लिखवाया गया है, उनकी सेवाएं, और वो एक ऐसा सिंबल बन गया है और एक ऐसा एक पॉइंट है जहाँ की देश हमारा तिरंगा लहरा हुआ है, तिरंगा पूरा लहराया हुआ है और एक देश प्रेम और देश सेवा की भावनाएं वहाँ सब लोगों में जागृत होती है और आज की डेट में उस पर जो वॉल ऑफ ऑनर के विषय पर लोग चर्चाएँ करते हैं और एक सेल्फी पॉइंट के रूप में वहाँ स्थापित किया गया। तो ये बहुत बड़ा काम है कि जहाँ पार्षद हमारा एक काम करने के अलावा भी एक देश से जुड़े हुए, जो देश सेवा की भावना को जागृत कर रहे, ऐसा भी काम करे, तो हम अपने पार्षद पर बहुत प्राउड करते हैं और हमें इस चीज़ का गर्व है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस बार जो है किसे पार्षद चुन रही है? तो बातें करती हैं उन्होंने, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए, उनकी इतनी तारीफ हो रही है, बहुत कम है, और तारीफ होनी चाहिए उनकी।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर सरिता विहार में लगातार लोगों से संवाद किया, उनके मन की बात जानना चाही। तो अधिकांश लोग यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट को इसलिए भरोसे पर ले रहे हैं क्योंकि 10 साल से अगर पीछे 10 साल जाया जाए, उनके दो कार्यकाल की बात की जाए, तो उनके दो कार्यकालों से लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, जिसके आधार पर जनता पूरी तरह से उनके साथ में जुड़ रही है। इन चीज़ों के कोरोना काल में भी उन्होंने बेहतर काम किया है, जिसके चलते लोग जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होकर जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मयंक तिवारी, सरिता विहार, दिल्ली।